हेलो दोस्तों, मैं हूं गौरव और लास्ट वीडियो में अपन ने डिप्लॉयमेंट्स के अंदर रोलिंग अपडेट स्ट्रेटजी के बारे में देखा था और इस वीडियो में अपन रिक्रिएट स्ट्रेटजी के बारे में देखने वाले हैं। तो रोलिंग अपडेट में क्या होता था, पुराने वाले रिप्लिका सेट से एक पॉट डिलीट होता था, नए वाले रिप्लिका सेट्स में पॉट क्रिएट होते रहते थे एंड पुराने वाले रिप्लिका सेट में तब तक पॉट डिलीट होते रहते थे जब तक उनका काउंट जीरो नहीं आ जाए एंड न्यू वाले रिप्लिका सेट में तब तक पॉट क्रिएट होते थे जब तक उनका काउंट एक स्पेसिफिक रिप्लिका काउंट के इक्वल ना आ जाए, राइट? चलो, ये तो था रोलिंग अपडेट के बारे में। अभी रिक्रिएट स्ट्रेटजी में क्या होता है इसके बारे में बात करते हैं। तो पहले मैं आपको मेरे एनवायरनमेंट में बता देता हूँ, 3 नोड क्यूबरनेटिस क्लस्टर है। यहाँ पे अभी के केस में केवल और केवल एक सर्विस क्रिएट है जिसको लेबल जिसको जो लेबल है वो है ऐप इक्वल टू माई ऐप वाला लेबल अटैच है, क्लियर? चलो अभी आप यहाँ पे आके देखो, ये पोर्ट 32000 पे लिसन करती है ये सर्विस। तो मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ एंड कोई सर्विस क्रिएट नहीं है। अब चलो अभी बात करते हैं कि रिक्रिएट स्ट्रेटजी क्या होती है, राइट? चलो सबसे पहले तो अपन एक डिप्लॉयमेंट क्रिएट करते हैं, vi फास्ट डिप्लॉय डॉट यामल। ये एक सिंपल जस्ट मैं नीचे वाला एग्जिट करता हूँ, ये एक सिंपल डिप्लॉयमेंट है, राइट? इसमें आई थिंक ऐसा कुछ भी नहीं है जो मैंने लास्ट वीडियोस के अंदर जिसको मैंने एक्सप्लेन ना किया हो। चलो अभी यहाँ पे नंबर ऑफ रिप्लिका 5 है, सेलेक्टर दे रखा है मैंने, टेम्पलेट में कोड का स्पेसिफिकेशन दे रखा है। अब मैं क्या करने वाला हूँ, अपने को यहाँ पे रिक्रिएट स्ट्रेटजी यूज़ करनी है। चलो मुझे आता नहीं है कि उसको कैसे यूज़ करते हैं, देखते हैं कैसे कर सकते हैं। एक्सप्लेन एंड यहाँ पे आप स्पेसिफिकेशन में आएंगे और देखेंगे तो यहाँ पे आपको स्ट्रेटजी दे रखी है एंड नीचे उसका टाइप दे रखा है। कॉपी किया मैंने इसको, फर्स्ट डिप्लॉय डॉट यामल में गया मैं एंड यहाँ पे इसके इक्वलेंट मेरे को उसको देना है एंड इसके इक्वलेंट मुझे लिखना है। रोलिंग अपडेट के बारे में मुझे लिखने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसके बारे में अपन पिछले 2 या 3 वीडियो में इसका हर एक चीज़ देखा है अपन ने, राइट? हर एक ऑप्शन देखा है कि रोलिंग अपडेट स्ट्रेटजी के अंदर कौन सा ऑप्शन क्या काम करता है, राइट? चलो टाइप मैं दे देता हूँ रिक्रिएट, करता हूँ मैं डिप्लॉयमेंट क्रिएट, क्यूब CTL अप्लाई -f एंड फर्स्ट डिप्लॉय डॉट यामल। मेरा डिप्लॉयमेंट क्रिएट हो गया। चलो देखते हैं, क्यूब CTL गेट ऑल -o white, ओके। आउटपुट ऐसा आया कि मेरे को देखने का ही मन नहीं हुआ। क्यूब CTL गेट डिप्लॉय, क्यूब CTL गेट रिप्लिका सेट, फॉन्ट साइज थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ, राइट? एंड क्यूब CTL गेट पॉट्स, राइट? तो ये सारा का सारा क्रिएट हुआ है। अब मैं क्या करता हूँ, पहले इसको जाके वेब ब्राउजर पे जाके एक्सेस करता हूँ कि मेरे को एक्सेस हो रहा है मेरा डिप्लॉयमेंट या नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे आप देखो एंड मैंने स्पेस को रिलोड किया, तो यहाँ पे मैंने v2 वर्जन जो है वो डिप्लॉय किया था। यदि आप मेरे फाइल में आओ और मैं आपको यहाँ पे दिखाऊँ मेरा फाइल vi space fast deploy.yaml, तो मैंने v2 किया था, राइट? अभी मेरे को इसको v2 से लेटेस्ट पे लेके जाना है यूजिंग रिक्रिएट स्ट्रेटजी, ओके? तो मैं यहाँ पे दे देता हूँ, हटा देता हूँ, एक्चुअली बाय डिफ़ॉल्ट लेटेस्ट ही होता है। अब इसके बाद में मैं नीचे वॉच करता हूँ, क्यूब CTL गेट RS, ठीक है? अभी के केस में केवल और केवल एक रिप्लिका सेट क्रिएट है एंड मैं अप्लाई करता हूँ ऊपर, राइट? क्योंकि मैंने फाइल के अंदर चेंज तो कर दिए एंड अभी आप देखो नीचे देखो जीरो हो गए सारे के सारे पोर्ट, राइट? एंड अभी एक नया रिप्लिका सेट क्रिएट हो जाएगा। अभी आप यहाँ पे मॉनिटर करके देखो तो सब जीरो हो चुके हैं, राइट? एंड देखो वापस एक नया क्रिएट हो गया विथ 5, राइट? तो अभी आपके दिमाग में वापस क्वेश्चन आएगा कि यार रोलिंग अपडेट जो था ना उसमें डाउन टाइम तो एटलीस्ट 0 नहीं जाता था,
यहाँ पे तो जीरो डाउन टाइम जाता था, तो फिर ये रिक्रिएट स्ट्रेटेजी का यूज़ क्या है, राइट? ऑफ कोर्स मेरे दिमाग में भी पहला क्वेश्चन यही आया था कि तो ज़िंदगी में कभी काम ही नहीं आएगी रिक्रिएट स्ट्रेटेजी, जब रोलिंग अपडेट मेरे को इतनी अच्छी फैसिलिटी दे रही है तो मैं क्यों इसको यूज़ करूँगा। यस, तो देखो दोस्तों, जब अपन रोलिंग अपडेट जब भी करते हैं ना, तो उसके अंदर होता क्या है, पूरे के पूरे नंबर ऑफ डिजायर्ड रिप्लिका आते हैं ना, उसको आने में 1 मिनट, 2 मिनट या 3 मिनट लग जाते हैं। सपोज आपके नंबर ऑफ रिप्लिका हैं वो 10 हैं, राइट? तो पहले एक क्रिएट होगा, फिर 5 सेकंड बाद दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां और 10वां, राइट? चलो, अच्छा है, प्रोडक्शन के केस में रोलिंग अपडेट बहुत अच्छा है। बट जब बात आती है डेवलपमेंट की, तो डेवलपमेंट में आपको इतना ज़रूरी नहीं होता है, डाउन टाइम आ भी जाए तो आ जाए, राइट? आपको तो फटाफट सारे के सारे डिजायर्ड पोर्ट्स चाहिए होते हैं, तो उस केस में आपके ये रिक्रिएट स्ट्रेटेजी यूज़ आएगी, ठीक है? तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में अपन क्या देखेंगे, अगले वीडियो में अपन देखेंगे कि कोई भी जब अपन पोर्ट क्रिएट करते हैं तो रिसोर्स रिक्वेस्ट एंड रिसोर्स लिमिट कैसे यूज़ कर सकते हैं। चलिए, बाय बाय।